फ्रेंड, तो होपफुली ये हमारा लास्ट वीडियो है, ये जो पूरा जो ट्यूटोरियल का पार्ट का ये लास्ट वीडियो है। पर अगर कुछ मुझे बाद में लगा तो इसमें बाद में मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, पर होपफुली ये लास्ट वीडियो है। हम लोग एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हम लोग गूगल का एड्स भी लगा चुके हैं। अभी इसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा प्ले स्टोर में कैसे हम लोग डालेंगे, पूरा ये वीडियो रहेगा शॉर्ट में। जितना भी मतलब शॉर्ट में हो सके मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। आप लोग एकदम ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, कुछ भी आप इसको मतलब स्किप मत करना, ठीक है? पूरा ध्यान से देखना वीडियो। तो चलो, पहली बात तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो हम लोग बना चुके हैं, तो ये हम लोग देख पा रहे, एकदम सुंदर से चल रहा है। MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है? तो ये हो गया। अभी ये पीसी में है तो इसीलिए इधर ऐड नहीं चल रहा है और ये बोल नहीं रहा है। जब ये एंड्रॉयड पे चलेगा तो ये इधर ऐड भी चलेगा और ये जो टेक्स्ट टू स्पीच जो हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे वो भी होगा, ठीक है? तो अभी हमको इसको अगर प्ले स्टोर में डालना है तो हमको कुछ चीज चाहिए। तो वो जो चीज है वो हम लोग इधर आपको दिखाते हैं। ये गूगल बोल के एक माई फोल्डर रेडी किया है इधर। इसके अंदर देखो कुछ चीज मैं डाल के रखा है। पहली बात तो ये है, हमको चार पांच ऐसा पिक्चर लगेगा तो हमें पिक्चर डाल के मतलब रेडी कर लिया है। एक मुझे आइकॉन लगेगा तो वो आइकॉन मैं इधर रेडी किया है। गेम का मैं क्या नाम दू, मैं टॉकिंग अल्फाबेट बोल के गेम का नाम रखूंगा तो ये रख दिया। इसके अंदर मैं दो तीन चीज रखा वो भी हम लोग को चाहिए, जैसे नेम क्या होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा कुछ भी मैं लिख दिया अभी फिलहाल आप लोग को सिखाने के लिए। ये लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होता है उसके लिए मैं रख दिया, ये थोड़ा ज्यादा वर्ड का है, ठीक है? और उसके बाद कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक जरूरत होता है तो मेरा tamam.in बोल के जो वेबसाइट है उसमें ही प्राइवेसी पॉलिसी डाल के रखा है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दिया। और एक चीज हम लोग को लगेगा वो है की स्टोर फाइल। अब ये की स्टोर फाइल क्या होता है, वो आपके कंपनी का या आपके विषय में कुछ चीज होता है जो गूगल मांगता है, तो वो आप कहाँ से आपको मिलेगा, ये टूल्स में चले जाओ। इधर टूल्स में जाने के बाद देखो एंड्रॉयड के लिए जेनरेट की स्टोर फाइल, इसमें अगर क्लिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है, जैसे आपका योर फुल नेम, जैसे मैं मेरा फुल नेम इधर मतलब लिख सकता हूँ, SUROJITBOSURYCHOWDHURY, ओके, ठीक है? अभी कंपनी का नेम, मैं कहाँ पे कोलकाता पे रहता हूँ तो इन दे दिया। अभी मुझे इधर पासवर्ड डालना है और सेम पासवर्ड इधर डालना है और फिर कहाँ पे मुझे वो की स्टोर फाइल चाहिए उसका मुझे लोकेशन इधर डाल देना है। डालने के बाद जब मैं जेनरेट करूंगा तो वो जेनरेट हो जाएगा। जेनरेट होने के बाद वो ऐसे दिखेगा, रिलीज डॉट की स्टोर, ऐसे वो दिख जाएगा, ठीक है? तो ये की स्टोर फाइल हो गया, ये आप समझ लो, ठीक है? तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूं। अभी हमारा मेन काम होगा कि अगर मुझे प्ले स्टोर में अगर ये अगर डालना है, ठीक है, अगर मुझे इसको अगर प्ले स्टोर में लेके जाना है तो मुझे एबीबी फाइल चाहिए। तो मैं ये जो है एपीके जो है ये गूगल के अंदर जो एपीके, इधर मैं एबीबी फाइल मैं जेनरेट करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टू एंड्रॉयड फाइल, इसमें क्लिक करना है, ठीक है? ये किड्स अल्फाबेट मैं पहले सोचा था, फिर मैं सोचा किड्स अल्फाबेट की जगह मैं टॉकिंग अल्फाबेट में रख दूंगा, ठीक है? तो वही मैं जो नाम है वही मैं कंट्रोल सी करके इधर मैं ये डाल देता हूं और पैकेज नेम भी मैं सेम ही रख देता हूं, टॉकिंग अल्फाबेट TALKING अल्फाबेट .tvg डाल देता हूं, मेरा जो कंपनी का नाम है डाल दिया। अभी जो आइकॉन है ये वाला आइकॉन, ये आइकॉन को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है? और ये कहाँ पे रखा है, डेस्कटॉप में ABCD गूगल और ये है, ठीक है, हो गया। फिर इसको भी मैं लेना है, हो गया। अभी ये कौन सी ओरिएंटेशन में होगा, मेरा लैंडस्केप में होगा, ठीक है, 5 ओके। बाकी सब कुछ जैसा है रहने देते हैं। अभी की स्टोर फाइल मुझे इधर से ऐड करना है, ये हो गया की स्टोर फाइल, हो गया। की स्टोर का जो पासवर्ड मैं दिया था, की स्टोर का मैं पासवर्ड दे दिया, वर्जन क्या चाहिए वो हो गया। अभी इसको मुझे कहाँ पे रखना है, ये एपीके के अंदर रखना है, ठीक है? और इसका नाम क्या दूं मैं, टॉकिंग अल्फाबेट .apk और इसका कितना वर्जन है, 1_1 1.1 दे दिया, टॉकिंग अल्फाबेट हो गया।
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखो ये जगह पे अभी मेरा ये वाला जो एपीके रेडी होगा। पहले मैं एक एपीके बना लेता हूँ, गूगल एपीके पहले बना के देख लेता हूँ। एक्सपोर्ट में क्लिक करता हूँ और देख लेता हूँ कि इधर कुछ रेडी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और कुछ एरर आएगा तो इधर एरर दिखाई देगा, जी हाँ ये कुछ एरर है, वो इधर इधर दिखाई देगा। और अगर जेनरेट होगा तो इधर जेनरेट हो जाएगा, जो भी जेनरेट करना है तो जेनरेट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, देखो इधर देखो जेनरेट हो रहा है, ये एपीके हो रहा है। अगर मुझे अगर मोबाइल पे लेके अगर चला के देखना है उसके लिए, उसके बाद मैं एबीबी फाइल भी जेनरेट करूंगा। देखो ये ऑटोमेटिकली जेनरेट हो रहा है, देखो जेनरेट हो गया एपीके फाइल, देखो जेनरेट हो गया 22 MB का एपीके फाइल जेनरेट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, सेम चीज एक्सपोर्ट करूंगा। अभी मुझे एबीबी फाइल चाहिए, ऊपर में जाऊंगा गूगल बंडल में क्लिक करूंगा और मैं एक्सपोर्ट में क्लिक कर दूंगा। ये वाला है, आई होप आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मेरा ये है, ये देखो एक्सपोर्ट ये वाला, इसमें मैं क्लिक करूंगा। अभी जब क्लिक करूंगा अभी एबीबी फाइल भी इधर देखो जेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर जेनरेट होना स्टार्ट हो, कुछ अगर एरर आएगा तो इधर दिखाएगा और इधर एबीबी फाइल जेनरेट हो जाएगा, ठीक है। देखो एबीबी फाइल जेनरेट करने के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, अभी एबीबी फाइल भी जेनरेट हो जाएगा इधर, ठीक है। टॉकिंग अल्फाबेट ही नाम देता हूँ। चलो ये एबीबी फाइल जेनरेट होके जनरेट हो रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है सब कुछ। ये हो गया, देखो एबीबी फाइल भी मरा जनरेट हो गया। अभी इसका काम खत्म, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मुझे जाना है मेरा जो प्ले स्टोर है उधर मुझे जाना है, गूगल प्ले डेवलपर कंसोल में मुझे जाना है, प्ले कंसोल, गो टू प्ले कंसोल, मेरा जो भी है उधर मैं जाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ऑल एप्स जो भी है अभी क्रिएट न्यू ऐप कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू ऐप, इधर ये नाम दे दिया टॉकिंग अल्फाबेट। ये क्या है, ये गेम है, ठीक है, एक गेम है, फ्री होगा ये। और इस दोनों को मैं कंफर्म करता हूँ ना, मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और इधर देख पा रहे हो क्रिएट ऐप, इसको मैं क्रिएट ऐप कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये रेडी हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया। थोड़ा मैं इसको ऐसे डालता हूँ और मैं खुद को थोड़ा ना छोटा कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा समझने में बाद में तकलीफ ना हो, ठीक है। अभी फर्स्ट क्या काम करना है, फर्स्ट मुझे ये काम करना है, प्रोडक्शन में जाना है। फर्स्ट काम प्रोडक्शन में जाना है, क्रिएट न्यू रिलीज करना है, टॉकिंग अल्फाबेट क्रिएट न्यू रिलीज करना है, ठीक है। और इधर जाके मुझे इसको अपलोड करना है, कौन सी वाले को अपलोड करना है, ये जो एबीबी फाइल को अपलोड करना है। तो चेंज ऐप साइनिंग यूज गूगल जेनरेट की आप यूज करना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये की मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, जो भी जो की है ये आप यूज गूगल जेनरेट की कर देना, वो भी आपको काम चल जाएगा। आपका अगर नया है या आपका अगर खुद का अगर ऑलरेडी की स्टोर फाइल है वो भी आप जेनरेट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो खुद का जो है ऑलरेडी, ये देखो द सेम की एज अनदर ऐप, जो मैं ऑलरेडी दूसरे ऐप में जो यूज कर रहा हूँ, सपोज इतना ऐप में मैं जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। आपका अगर नया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी जो मैं ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सपोज मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल। अभी मैं क्या करूंगा, अभी इधर मैं ये जो एबीबी फाइल है, ये एबीबी फाइल, इसको मैं क्या करूंगा, जस्ट ड्रॉप कर दूंगा, इसमें इधर मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ये अभी इसमें आएगा क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर बहुत कुछ मतलब एरर आता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत कुछ एरर आता है। ये मैं इधर पेस्ट का मतलब ड्रॉप कर दिया, ये मैं इधर, अभी थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, इधर थोड़ा मैं टाइम देता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना आप लोग, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ये चीज हो जाएगा तो फटाफट फटाफट आपका नेक्स्ट काम फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही मेन पार्ट होता है, अगर कुछ दिक्कत आता है तो इधर बहुत दिक्कत आ जाता है, अगर दिक्कत नहीं आता इसमें तो इसके बाद पूरा एकदम शांति से पूरा चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, एक ऐप को पहले हम लोग एक ऐप क्रिएट किया, उसके बाद उसका नाम दे दिया। नाम देने के बाद प्रोडक्शन में आया, न्यू रिलीज क्रिएट किया, उधर मैं आके मेरा जो भी मतलब एबीबी फाइल था उसको मैं इधर ड्रॉप कर दिया,
ठीक है, उसमें आप गूगल एपीके, गूगल का जो खुद का जो एडजस्टमेंट करता है वो भी आप ले सकते हो। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा हो गया है, एकदम शांति से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो और इधर क्या कर सकते हो, इधर FIRST फर्स्ट सबमिट, BMIT फर्स्ट सबमिट बोल के लिख सकते हो, करके इसको आप सेव करो। सेव करने के बाद रिव्यू रिलीज में जाओ, और जाने के बाद ही देखो आपको इतना सारा एरर दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ अभी आपको करना है। तो क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन में हम लोग गया तो इधर आया, तो इधर आके क्रिएट रिलीज किया, तब तो रिलीज नहीं था, अभी देखो एडिट दिखा रहा है, क्योंकि एक रिलीज आप किए, इस रिलीज का नंबर है 1। अभी आपको इधर क्या करना है, कंट्री पे जाना है, कंट्री पे जाने के बाद ऐड कंट्री करो। आपको अगर पूरा दुनिया में ये आपको अवेलेबल करना है, सब में यूज करो। अगर आपको स्पेसिफिक कोई कंट्री है तो उस कंट्री को आप इसको हटा के ऐसा करके पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक कंट्री को आप सिलेक्ट करो। तो मेरे केस में मैं सब कंट्री में दूंगा, तो मैं कंट्री को ऐड कर दिया, ऐड हो गया, देखो कंट्री ऐड हो गया, हो गया। तो मेरे प्रोडक्शन का इधर का जो काम है अभी इसी वक्त के लिए कंप्लीट है। अभी मुझे एकदम नीचे जाना है, सॉरी नीचे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी मुझे ये इधर मुझे आना है, स्टोर प्रेजेंस पे आना है, और इधर जाके मुझे मेन स्टोर लिस्टिंग पे आना है। ठीक है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो। तो इधर मैं क्या करूंगा, ये जो मैं जो इधर जो लिख के रखा है, ये वाला चीज लिख के रखा है, ठीक है। तो ये क्या किया मैं, ये जो मैं जो लिख के रखा है, ठीक है, उसको मैं कॉपी करूंगा और इधर डालता रहूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, 92 हो गया। तो इधर से इजी तक रख देता हूँ, सबसे अच्छा है इजी, ओके। और ये इधर Ctrl+C, ये Ctrl+V मार देता हूँ, ये भी हो गया। अभी इसका देखो आइकॉन चाहिए, अभी आइकॉन मुझे कहाँ से मिलेगा, ये वाला आइकॉन इधर मैं डाल देता हूँ, ये आइकॉन आ गया। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये मेरा एप्लीकेशन का है, इसको मैं इधर रखता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आए, और इसको ये हो गया। अभी थोड़ा नीचे जाता हूँ, इधर बोल रहा है कि एक फीचर ग्राफिक्स चाहिए, तो मैं ये जो है इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर में, बड़ा करके एक बैनर टाइप का आएगा। अगर आपको कुछ, आपका जो ऐप है ऐप के ऊपर, आप अगर आप कुछ यूट्यूब में वीडियो बना चुके हो छोटा सा, तो ये यूट्यूब का लिंक इधर डाल सकते हो। मेरा फिलहाल नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी फोन के लिए मुझे इधर बोल रहे कुछ पिक्चर दो, तो मैं इधर 1 2 3 4, ये 4 पिक्चर को मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, होने देते इसको, ये पहले से आप रेडी करके रखना। हो गया 4 पिक्चर, अभी नीचे जा रहा हूँ। अभी बोले टैबलेट के लिए करो, तो सेम टैबलेट के लिए 4 मैं कर देता हूँ, ओके। तो चलो फिर मैं नीचे जाता हूँ, इसके लिए भी मैं इधर 4 कर देता हूँ, ओके। ये भी आई होप कंप्लीट हो गया। चलो अभी क्रोमबुक के लिए मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला, देखो ये देखो इधर देखो आ भी गया, टॉकिंग अल्फाबेट बोल के आ गया। अभी मुझे क्या करना है, एकदम नीचे जाना है, अभी मुझे ऐप कंटेंट पे जाना है। ये ऐप कंटेंट देख रहे हो, तो दो जगह पे मैं दिखाया, पहला मैं कहा गया प्रोडक्शन में, उसके बाद कहा गया मैं ऐप स्टोर प्रेजेंस, ये मेन स्टोर लिस्टिंग पे गया, उसके बाद अभी मैं कहाँ पे जाऊंगा, ऐप कंटेंट पे जाऊंगा। ठीक है, अभी इधर मुझे प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहा है, तो स्टार्ट करता हूँ। और इधर क्या करता हूँ, इसके अंदर ना मेरा ये प्राइवेसी पॉलिसी मैं खोल करके रखा हूँ, ये एक बार आप अगर देखना चाहो तो देखो, ये मैं डालता हूँ, ये एंटर मारता हूँ, ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी बहुत पहले से लिखा हुआ है, वही मैं इधर मैं क्या करूंगा, ये जो है इधर मैं डाल दूंगा और सेव करूंगा, ओके। फिर मैं ऐप कंटेंट में फिर क्लिक करूंगा, अभी बोल रहे कि एड्स, तो इधर मैं जाऊंगा, बोल रहे कि मेरा जो ऐप है इसमें एड्स चलेगा, यस ऑब्वियसली, मैं फालतू का तो मैं ऐप नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा तो अर्निंग करना है, हो गया। फिर मैं ऐप कंटेंट पे जाऊंगा, बोले कि ऐप एक्सेस, तो मेरा ये ऐप एक्सेस करने के लिए कोई स्पेशल परमिशन तो चाहिए नहीं, बच्चे लोग खेलेगा कि आपका स्टोरेज का कुछ परमिशन दो, ये दो वो दो, ये सब है नहीं, तो ऑल फंक्शन मेरा एक्सेस कर पाएगा। तो ये मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, तो आपके केस में अगर कुछ अलग है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
तो ये हो गया अभी कंटेंट रेटिंग स्टार्ट करते हो, कंटेंट रेटिंग स्टार्ट, और इधर आएगा मेरा ईमेल आईडी, हो गया मेरा जो ईमेल आईडी है मैं दे दिया। ये क्या है, एक गेम है, नेक्स्ट कर रहा हूँ। क्या बोल रहे, इसमें कुछ ब्लड है? नहीं है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ फियर कुछ ये चीज है, सेक्सुअलिटी कुछ चीज है नहीं है, गैम्बलिंग है नहीं है भाई, बच्चे का चीज है भाई। लैंग्वेज लैंग्वेज कोई भी ये नहीं है, तो इधर बोल रहे कुछ टोबैको वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं है। चलो कुछ यूजर जेनरेटेड कंटेंट, जो वोमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है नहीं है। मिसक्लिनियस पे मैं देख रहा हूँ कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई वॉइस कम्युनिकेशन हो सकता है नहीं। फिजिकल यूजर का कुछ फिजिकल लोकेशन ट्रैक करेगा नहीं करेगा। कोई डिजिटल परचेस कुछ है इसके अंदर? अभी फिलहाल कुछ डिजिटल परचेस नहीं है, बाद में अगर होगा तो बाद में क्वेश्चनरी फिर से नया करके डाल देंगे। कोई भी जर्मनी का कुछ मतलब नेजी सिंबल ये सब कुछ इसमें यूज किया है? नहीं किया है भाई। चलो कोरिया का कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट ये सब कुछ इसमें है नहीं। ओके उसके बाद क्या है, कोई क्रिमिनल ऑफेंसिव कुछ चीज इसमें नहीं है। कुछ टेररिस्ट को मैं प्रमोट करो ऐसा कुछ चीज है? ऐसा भी नहीं है। चलो इसको मैं सेव कर दिया। ओके नेक्स्ट। तो इसे मुझे कितना रेटिंग मिला है, जनरल जनरल 3+ का रेटिंग, मतलब 3 साल के ऊपर का कोई भी यूज कर सकता है। चलो मैं सबमिट कर दिया। ओके ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं ऐप कंटेंट में जाता हूँ। अभी बोल रहा है कि टारगेटेड ऑडियंस क्या है। अभी टारगेटेड ऑडियंस के लिए मैं ये ना 5, 6, 8 साल नहीं यूज करूंगा, एकदम 13 साल 16 ये यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्राइवेसी पॉलिसी है ना, बहुत कुछ डालना पड़ता है, तो एकदम 13 साल के ऊपर मैं यूज करने जा रहा हूँ। सिंपल नेक्स्ट हो गया। इसको येस करना है कि उधर आएगा, ये चिल्ड्रन के लिए, एकदम चिल्ड्रन के लिए नहीं है। और भी देखो आप बोल सकते हो तो ये तो चिल्ड्रन के लिए है। अरे चिल्ड्रन का खुद का मोबाइल खरीदने जाएगा वो क्या करेगा, पापा मम्मी के मोबाइल पे यूज करेगा, और पापा मम्मी के मोबाइल पे जो ईमेल आईडी रहेगा वो तो 18+ का ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है तो नेक्स्ट कर दो भाई, सेव कर दो। ओके कंफर्म। अभी ऐप कंटेंट में फिर से क्लिक करो। अभी बोल रहे कि न्यूज, मेरा ये ऐप न्यूज नहीं है, न्यूज ऐप नहीं है, नो कर दो। फिर ऐप कंटेंट में जाओ, ये COVID-19 का है? नहीं है भाई, COVID-19 का कुछ नहीं है। इसमें क्लिक कर दो, सेव कर दो। ठीक है हो गया। फिर ऐप कंटेंट में जाओ, डेटा सेफ्टी, तो डेटा सेफ्टी के जो आएगा ये नेक्स्ट करो। तो क्या बोल रहा है, यूजर कुछ डेटा ले रहा है? नो कुछ भी नहीं ले रहा है। नेक्स्ट करो, ऑटोमेटिकली मेरा प्राइवेसी पॉलिसी बोल रहा है कि जाओ जाके पढ़ लो, कुछ भी डेटा हम लोग कुछ नहीं ले रहा है। हो गया। फिर ऐप कंटेंट में आओ, फिर देखो एडवर्टाइजिंग आईडी, इधर जाओ और इधर कुछ यूज कर रहे हो? नो कर दो, झामेला खत्म। मैं कुछ SDK वगैरह अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, नो कर दो। ऐप कंटेंट में फिर जाओ, गवर्नमेंट ऐप है ये? नहीं, ये कोई गवर्नमेंट ऐप भी नहीं है, नो। ओके अंटिल योर सेक्शन, ये नो, मेरा कोई गवर्नमेंट ये कुछ है नहीं। इज योर ऐप डेवलप बाय और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में कुछ ये डेवलप किया हुआ है? नहीं किया हुआ है भाई, ये मेरा खुद का है। ऐप कंटेंट में फिर जाओ, देखो सब कुछ जो भी है, देखो कंप्लीट हो गया। अभी ये कंप्लीट हो गया है, अभी मुझे पॉलिसी स्टेटस वगैरह सब कुछ ठीक है। अभी मुझे और क्या चीज चाहिए वो देखने के लिए मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ, एडिट रिलीज पे क्लिक कर रहा हूँ, रिव्यू रिलीज में क्लिक कर रहा हूँ। इधर मुझे दिख जाएगा कुछ एरर है कि नहीं। देखो एक एरर अभी भी है। अभी क्या एरर है, कंप्लीट स्टेप डैशबोर्ड में कुछ है, एक बार देखता हूँ। क्लिक करते हो उधर, उधर क्या चीज बाकी रह गया भाई, ये वाला चीज बाकी रह गया, कैटेगरी कैटेगरी बाकी रह गया है। तो गेम है तो, और ये क्या गेम है, ये एडुकेशनल गेम है। ठीक है टैग वगैरह कुछ अगर देना चाहता हूँ दे सकता हूँ मैं इधर। टैग टैग क्या दूँ मैं, क्या दूँ, एजुकेशन। चलो हो गया, अप्लाई हो गया। ईमेल आईडी मेरा जो है, ईमेल आईडी मैं क्या दूँ, ओके हो गया। फोन नंबर डालना है डालो, और नहीं तो इधर डाल दो वेबसाइट डाल दो। ये मैं वेबसाइट डाल दिया, फोन नंबर 7439985864 डाल दिया। ओके हो गया, ये तीनों जगह कंप्लीट हो गया। होने के बाद ये सेव करो।
ये हो गया सेव। अभी हम लोग जाएंगे फिर से ऐप रिलीज पे, हम लोग फिर से जाएंगे, कहाँ गया, रिलीज ओवरव्यू प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन में फिर हम लोग जाएंगे, इधर एडिट रिलीज पे फिर जाएंगे और नीचे जाएंगे, सब कुछ सही है, रिव्यू में जाएंगे। अभी देखो सिर्फ वार्निंग दिखा रहा है, इसको लेके इतना टेंशन मत लो, कोई भी और मेरा इधर एरर नहीं है। तो स्टार्ट करो रोल आउट, ये रोल आउट कर दो। अभी जब रोल आउट कर दिए हो तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। प्ले स्टोर में कैसे सबमिट करते, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाया। अभी फुल स्क्रीन करता हूँ और मैं ऑल एप्स में जाता हूँ और इधर ड्राफ्ट में जाता हूँ। ये देखो हो गया मेरा, 21 दिसंबर को मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। थोड़ा अभी मैं खुद को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, रिलीज किया। ये अभी रिव्यू में चला गया है, आई थिंक 2-3 दिन में ये मेरा प्ले स्टोर में लाइव हो जाएगा। जब लाइव हो जाएगा तो आप भी इसको डाउनलोड करके चेक कर पाओगे या खेल पाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप मतलब इसको प्ले स्टोर में डालोगे, उससे पहले आपका जो, मैं तो ये टेस्ट ऐड से ही मैं डाल दिया, आप जब डालोगे आपका जो रियल ऐड का जो कोड है वो कोड डालने के बाद डाल देना, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो ट्यूटोरियल था है ये आपके लिए एकदम नॉर्मल, एकदम सही है। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस था, एकदम पहला वीडियो से लेके अभी ये वीडियो तक, टोटल वीडियो में आप पूरा एकदम ऐप गेम की इंस्टॉल से स्टार्ट करके प्ले स्टोर में डालना पूरा आप लोग सीख गए हो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करो, या मेरा जो फोन नंबर आप लोग को दिया गया है या व्हाट्सएप दिया गया है उधर आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू।